तो अब आज जो लेक्चर है उससे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जियो मैग्नेटिज्म, या जियो मैग्नेटिज्म, या आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है, जियो मैग्नेटिज्म या जो टॉपिक है वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये काफी तो मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट, बना रखा है सर मेरी कॉपी में। हाँ ये मुझे लगा सर काफी, ये डायग्राम आपने वो पहले बताया था ना, नॉर्थ और साउथ हाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैंने का वो, डायग्राम है। तो मैंने ना एलन की मॉड्यूल से बना लिया था पहले। अच्छा तो वही है, स्टार्टिंग तो वैसा ही है। फिर अभी इसमें थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे अपन, क्योंकि टर्म्स बड़ी इम्पोर्टेंट है यस इसके सर। अंदर। ठीक है, तो मैंने काफी सारे नेट से भी डायग्राम्स वगैरह इसमें ऐड करें, 3D डायग्राम से, ताकि थोड़ा और अच्छा आप उनको समझ पा जाए, जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं है जनरली। ठीक है, तो जियो मैग्नेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, तो इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट था, इसे पहला ही पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जियो मैग्नेटिज्म क्या होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करना, वो कहलाता है जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अर्थ खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसके अलग अलग हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो यह है कि अर्थ का जो कोर है, कोर में ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से अर्थ की खुद की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। दूसरा यह है कि अर्थ के जो सराउंडिंग है उसमें एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेरिक में काफी सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट इसमें यह भी दिया है कि भाई अर्थ के कोर में भी जो है इस तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब अर्थ रिवॉल्व होती है अपनी एक्सिस के अबाउट, या रोटेशन करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अर्थ के सराउंडिंग में जो है एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ रिवॉल्व होती है तो चार्ज पार्टिकल्स में ही मोशन आता है। और अपन ने स्टडी किया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल्स जब भी मोशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट से और हाइपोथेसिस दी हुई है, बट कंफर्म ये है कि अर्थ इज बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, और अर्थ हैज इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जो होती है उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक बार मैग्नेट की तरह अर्थ बिहेव करती है। कैसे पता चला ये, तो कैसे पता चला, मैग्नेटिक कंपास है। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो खुद एक क्या है, टाइनी मैग्नेट होती है, छोटी सी मैग्नेट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा मैग्नेटिक कंपास में इस तरह से निडल होती है। ठीक है, तो इसके इसके दो पार्ट होते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि एक तो इसका ये एरो होता है। ठीक है, ये एरो जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है, जो इसका टेल होता है, टेल जो रिप्रेजेंट करता है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। टेल किसको रिप्रेजेंट करता है, साउथ पोल को। तो मैंने जस्ट आपको कहा कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास इज इटसेल्फ बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट। तो टाइनी मैग्नेट छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अभी अपन तो ऑलरेडी स्टडी करते हुए आए हैं कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाए, लटका दिया जाए धागे वागे से बांध के, फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाए, तो वो अलाइन हो जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कैसे अलाइन हो जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन क्यों हुई, तो ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि भाई मैग्नेट जो है, मैग्नेट में डिफ्लेक्शन या मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब वहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो। समझ रहे बात को, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जो हो, तभी वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इसमें अगर आप इसको किसी भी डायरेक्शन में टर्न करके छोड़ रहे हो, फ्रीली सस्पेंडेड कर रहे हो, तो ये अपने आपको नॉर्थ साउथ में अलाइन कर रही है। तो नॉर्थ साउथ में अलाइन कर रही है तो इसका मतलब ये कि वहां कोई ना कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है, तभी इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो दूसरी जो कोई और जो मैग्नेटिक फील्ड हो कहाँ से आई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है वो खुद को कर लेता है, अलाइन कर लेता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई जो मैग्नेट जो अर्थ है, अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और अर्थ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, अर्थ जो है कैसा बिहेव करती है, एज अ बार मैग्नेट बिहेव करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, धीरे धीरे एक एक वन बाय वन, वन स्टेप बाय वन अपन क्या करते हैं, एक एक टर्म इसमें देखते जाते हैं। ठीक है, तो एक एक बार में एक टर्म पे फोकस करना। जैसे वी ऑल नो दैट अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की है। ठीक है, स्फेरिकल शेप की, और वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है। ठीक है, अर्थ क्या करेगी, अपने आगे करती है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन करती है। तो देखो ये वाला जो है ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये जो है बॉटम में, ये इसका ज्योग्राफिकल
साउथ है, ठीक है, जो कि क्या कहलाते हैं पोल्स। ये जो वर्टिकल एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेशन कर रही है, जो आपके अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, वो कौन सी है? इसकी पोलर एक्सिस है, जहां पर की पोल्स है इसके। ये जोग्राफिकल नोर्थ और नॉर्थ और साउथ जो होती है डायरेक्शन, वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है? पोल्स को। और ईस्ट और वेस्ट जो रिप्रेजेंट करती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इक्वेटर को। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थ इज रिवॉल्व और डूइंग रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, और उस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? पोलर एक्सिस या ज्योग्राफिकल एक्सिस। दिख रहा है आपको? उस एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे? पोलर एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस। यहाँ पर इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा, ये इसका ज्योग्राफिकल साउथ होगा। ये तो हमें क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास लेते हो और मैग्नेटिक कंपास लेके अगर मोशन करते हो इसमें या देखते हो आप, तो आपका जो मैग्नेटिक कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है, और निडल में भी जो एरो है, एरो किसको शो करता है? नॉर्थ को शो करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट, वो खुद एक छोटी सी मैग्नेट है, जिसका कि ये एरो जो है वो नॉर्थ पोल है और जो टेल है वो क्या है उसकी? साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल यहाँ देखो अंदर की तरफ इंडिकेट करेगी, यहाँ पर जो है जो इसका नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक कंपास का, ये ऐसे अंदर की तरफ इंडिकेट करेगा इस जगह। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी नहीं होगा ये, जबकि आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ इस प्लेस पर है। देखो आप, ये आपका ज्योग्राफिकल, इस जगह ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। ठीक है, बट इससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं, ऑलमोस्ट आप किसके 20 डिग्री पर। ठीक है, 20 डिग्री शिफ्ट पर ये जो आपका नॉर्थ है कंपास का, जो नॉर्थ है वो इधर अंदर की तरफ इंडिकेट करेगा। तो जो नॉर्थ पोल है उसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है? साउथ पोल ही अट्रैक्ट कर सकता है। जो नॉर्थ पोल है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अर्थ का क्या है, अर्थ जो बिहेव कर रही है एज अ बार मैग्नेट, उसका क्या है यहाँ पर? साउथ पोल है। क्या है यहाँ पर? साउथ पोल है। तो ये ये साउथ पोल हो गया, और अगर ये साउथ पोल है तो इधर नॉर्थ पोल होगा, दूसरा वाला जो पोल होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है, जो अर्थ बिहेव कर रही है एज अ बार मैग्नेट, उस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो तो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। समझ में आ रहा है? जो साउथ पोल है वो तो होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। तो सर ये जो इंक्लाइनेशन है ना सर, इसका 20 डिग्री या 23 डिग्री जो आपने बोला, वो इसके लेफ्ट डायरेक्शन में पक्का है? अब वो आप इधर डिनोट कर लो चाहे इस साइड डिनोट कर लो, यानी शिफ्ट आएगा उसका, वो तो शिफ्ट है, मतलब जो उसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस है उससे इसकी मैग्नेटिक एक्सिस का शिफ्ट है। आप अलग अलग बुक्स में डायग्राम्स देखेंगे, किसी में यहाँ राइट इस साइड भी दिया हुआ, राइट साइड भी दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो शिफ्ट है बस। ये ध्यान रखना है आपको कि जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिकल जो इसके एक्सिस है उसके बीच का जो शिफ्ट है वो कितना है? 20 डिग्री है। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? ठीक है, यस सर, है ना। अब देखो आप, तो इस तरह से ये आपका मैग्नेटिक साउथ हो जाएगा, और ये वाला जो है ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को जो एक्सिस मिलाएगी वो आपकी कहलाई जाएगी मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, जैसे ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, इस तरह से ये जो एक्सिस आपको दिख रही है क्या बन जाएगी आपकी? मैग्नेटिक एक्सिस। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है, है ना? हाँ सर। अब देखो आप, अब वी ऑलरेडी स्टडीड दैट इन अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से, और कहाँ पर एंड होगी? साउथ पोल पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, कहाँ जाएगी? साउथ पोल पे। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ से कहाँ जाएगी? ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाएगी, या हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब आगे कुछ आपको टर्म्स ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अर्थ ड्रॉ करते हैं, अर्थ मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, अर्थ ये ड्रॉ करा, तो अर्थ की ये जो एक्सिस हमने बनाई, किस तरह की ये एक्सिस बनाई, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योग्राफिकल साउथ। ऐसे ये एक्सिस आप बनाओगे इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये ज्योग्राफिकल ईस्ट हो जाएगा और ये ज्योग्राफिकल वेस्ट हो जाएगा, कह सकते हैं अपन ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर सेंटर ले लिया। ठीक है, तो जनरली वी टेक दैट जो ये एक्सिस इसकी पोलर है या ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके अबाउट क्या करिए? अर्थ रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो देखो अगर ये प्लेन, इफ आई टेक अ प्लेन हियर, एक ये प्लेन में लेता हूँ यहाँ पर,
ये प्लेन हमने किया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है जिसको कि बोलते हाँ हैं सर, जियोग्राफिकल इक्वेटर, क्या बोलते हैं इसको, जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो जो आपका जियोग्राफिकल इक्वेटर है वो किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बोलो, जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है। जैसे आप हाँ सर, आपने वाटरमेलन लिया होगा, वाटरमेलन का ऐसे कट कर दो, हॉरिजॉन्टली कट कर दो, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दो मिलेगा हाफ में जो बांट जो देगा सर। वर्टिकल, हाँ जो वर्टिकल के वर्टिकल जियोग्राफिकल जो उसकी एक्सिस है पोलर एक्सिस, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वो कहलाता है जियोग्राफिकल इक्वेटर, समझ में आ गया, वो क्या कहलाएगा, जियोग्राफिकल यस इक्वेटर। सर, तो जियोग्राफिकल इक्वेटर जो होगा वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक तो ये पार्ट बन जाएगा आपका अपर पार्ट और ये बन जाएगा लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट जो नॉर्दर्न, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ की साइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, समझ में आ रहा है। जो आपने ये जो जियोग्राफिकल इक्वेटर है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, जो अपर वाला पार्ट है जो कि नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ एक्सिस की साइड है उसको तो बोलते हैं अपन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न ठीक है, हेमिस्फीयर। और जो नीचे साउथ वाले की साइड है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, समझ में आया। ऊपर वाला तो क्या आ हाँ सर, जाएगा, जो नॉर्थ की साइड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, और जो बॉटम नीचे वाला है उसको हम क्या बोल देंगे, साउदर्न हेमिस्फेयर, समझ में आया। तो ये तो आपने किससे बना दिया, जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ से, ठीक है। ऐसे ही आप देखें मैग्नेटिक, ये देखो आप, ये आपका मैग्नेटिक साउथ है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब अगर इसको कट किया जाए, अब अगर कट करेंगे तो वो जो जो जैसे ये जो आपने ज्योग्राफिकल इक्वेटर बनाया था, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल परपेंडिकुलर टू साउथ के मैग्नेटिक परपेंडिकुलर, एक्सिस। हाँ, अब वो जो प्लेन बनेगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, मैग्नेटिक एक्सिस के, ये ठीक है, मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है अर्थ का उसके जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या बोला जाएगा उसको, मैग्नेटिक इक्वेटर, समझ में आया, हाँ सर, ठीक है। तो अभी इसमें जो जो टर्म यहाँ पर मेंशन है एक बार और मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफिकल एक्सिस और पोलर एक्सिस हो गया आपका, फिर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफिक साउथ हो गया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, ज्योग्राफिक इक्वेटर और मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, ये सारी टर्म आ गई आपको समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें टर्म्स में, हाँ सर, चले आगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वही जो टर्म्स है उनको हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर प्रॉपरली लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं इसे, जो यहाँ पर देखें अपन, फर्स्ट आपको दिया हुआ है ज्योग्राफिक एक्सिस, तो ये क्या होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये डेफिनेशन आपको मिल गई, एरी एक्सिस, ठीक है, और डेफिनेशन भी समझ में आ गई आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ, तो ज्योग्राफिक पोल्स कौन कौन से, ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफिक साउथ हो गया, यहाँ से ही पास हो रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज द ज्योग्राफिक एक्सिस, समझ में आ गया। सेकेंड अपन लेते हैं यहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ, तो इसके लिए आप इस डायग्राम को रेफर करो, क्या देख रहे हो आप, ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन कहाँ पर है, इसमें ये रहा ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है वो क्या होगा, इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द, है ना, ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन रिप्रेजेंट किया हुआ, ये वाला, समझ में आया, हाँ सर, ये तो कहीं से भी हो सकता है ना सर, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है, हाँ, बस एक्सिस इस जहां बीच। लिए, जैसे इसने एक्सिस ऐसे बनाई है, इसने एक्सिस ऐसे बनाई है, दिख रहा है आपको, ये एक्सिस बनाई है और इसमें इसका यहाँ पर आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये बनाई है इसने ज्योग्राफिक साउथ, समझ में आया, ऐसे ये अच्छा, बना, ये लाइन जो ज्वाइन करती है सर ज्योग्राफिक एक्सिस को, उसी के ऊपर होना चाहिए पूरा का उसी पूरा। के ऊपर होना चाहिए, आप जैसे ये है तो ये किसी ना किसी एंगल पर है, देखो इधर ये किसी ना किसी एंगल पर है, दिख रहा है आपको, तो ये आपका यहाँ पर क्या जाएगा, ये आप रिप्रेजेंट करोगे मैग्नेटिक साउथ और ये आ जाएगा आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ, समझ में आया,
ठीक है हाँ सर है ना, ये इस तरह से हो गया। और देखो चलो मैं इधर से पहले लेके चलते हैं, तो जोग्राफिकल मेरिडियन तो समझ में आ गया आपको है ना, इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। जोग्राफिकल एक्सिस ये रही, ठीक है, जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ से एक प्लेन पास हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं जोग्राफिकल मेरिडियन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, जोग्राफिक इक्वेटर, तो जोग्राफिक इक्वेटर देखो, तो जोग्राफिक देखो ये जो जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ बनाए ना आपने, इसके परपेंडिकुलर बनाना है आपको, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो आपका जोग्राफिकल इक्वेटर बन जाएगा है ना। तो ये बना हुआ है आपके, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो जा रहा है, ठीक है, ये जो है ये बना हुआ है जोग्राफिकल इक्वेटर। जोग्राफिकल इक्वेटर क्या होगा, इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द जोग्राफिकल एक्सिस, जो जोग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द जोग्राफिकल एक्सिस, ऑल द पॉइंट्स ऑन द जोग्राफिक इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द जोग्राफिक पोल्स, ठीक है। तो आपने जोग्राफिक एक्सिस ये देखो, ये एन जी, ये जो एन जी और ये लिया ना अपने एस जी, इसके परपेंडिकुलर बनाया हुआ है अलग प्लेन, ठीक है, ये ग्रीन लाइन से जो मैंने रिप्रेजेंट करा है ना। पर परपेंडिकुलर कहाँ है, आप परपेंडिकुलर अब वो आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है, आप देखो ना, एक ये वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको, ये प्लेन इस मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये वाला देखो दिख रहा है अलग, ये देखो आप, ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो रहा है इसके एस एम और एन एम के, बोलो हाँ सर हो रहा है ना, तो वो भी उसके परपेंडिकुलर ही, ठीक है, ये भी जो बनेगा, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आया। अब क्या, अ ग्रेट प्लेन विच पासेस थ्रू ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, ये हो ही गया अपना, ये वाला तो अपने कर ही लिया है, तो एक्स्ट्रा लाइन अरेज कर इसको अरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक आ गए हैं, इसमें ज्योग्राफिक इक्वेटर तक आ गए, इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस जो है ये आपके ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये एन जी और एस जी से बता रखा है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये येलो ये वाला जो प्लेन है इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, इन अ परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑल द पॉइंट्स ऑन द ज्योग्राफिकल इक्वेटर आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ज्योग्राफिक पोल्स। ज्योग्राफिक पोल से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे, तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे ही बताया हुआ है इसमें कि अ ग्रेट प्लेन विच पासिस थ्रू ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल प्लेन। ये वाला जो प्लेन बन रहा है, ये येलो लाइन से मैंने बताया हुआ है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। अब आगे क्या है, दिस प्लेन कट्स द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स, अ पार्ट हैज ज्योग्राफिक नॉर्थ, जिस तो दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, आपको दिख रहा है, एक तो अपर पार्ट हो रहा है इसका, एक लोअर पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो जिसमें ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला जिसमें आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो वाला पार्ट, इस ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन जो है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की साइड है, उसको तो अपर पार्ट को तो हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे है जिसमें कि साउथ है, ज्योग्राफिक साउथ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक, बताओ। अब देखो यहाँ पर है मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस क्या, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेट एक्सिस एट नियरली 17 डिग्री, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस ये बताई हुई है, ये रहा, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसको आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो एक्सिस बनेगी ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, आ गया है ना, हो गया यहाँ तक। देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, नियरली एट 17 डिग्री क्या है, जो मैंने आपको 20 डिग्री बताया था, किसी और बुक में 10th वाली बुक में देखोगे तो 11.2 डिग्री लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये वही है, कोई एक कोई और बुक फॉलो करोगे तो उसमें 20 डिग्री है, उसने यहाँ पर 17 डिग्री मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू है, समझ में आया,
हाँ सर ओके okay, इसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, देखो आप, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, बताया मैंने आपको, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस पे जो प्लेन है, ठीक है, डेफिनेशन पे आप जाओगे, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, है ना। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, तो ये वाला जो प्लेन आपका बन रहा है ये क्या कहलाएगा? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, क्या कहलाएगा इसको? हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? और मैग्नेटिक मेरिडियन के, मैग्नेटिक मेरिडियन ही आपने बना दिया, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्रपेंडिकुलर जो बनाओगे, देखो ये वाला जो बन रहा है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। दिख रहा है आपको ये वाली जो लाइन आ रही है, ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इक्वेटर। देखो आप, ये फिर अलग अलग और भी डेफिनेशंस दी हुई है, इट इज अ, तो एक डेफिनेशन तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो ही होगी, और भी, इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस विच पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल। तो ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट भी क्या करती है? अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। अच्छा, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में करेगी या मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में करेगी? मैग्नेटिक में करेगी ना, ज्योग्राफिक में क्यों करेगी? ज्योग्राफिक वाला थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा इसको। आपने यही तो करा है कि यहाँ पर डायरेक्शन वही रहेगी सर, मैं तो ये कह रहा हूँ। जैसे मैग्नेटिक कंपास जो है, अब आप और डिटेल में पढ़ रहे हो, अब ये तो एक बात हो गई कि भाई जो अर्थ की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें अलाइन कर लेती है जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। अब तो आपने और स्पेसिफिक पढ़ लिया ना कि भाई वहां नहीं करती है एग्जैक्टली, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ है वहां अलाइन नहीं करेगी, उससे थोड़ा सा शिफ्ट होकर अलाइन करेगी और वो जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। तो यहाँ पर आके वो अलाइन करेगी। तो अब आप देखो कि आपकी जो, चाहे तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, चाहे आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, ये आके कहाँ अलाइन होते हैं? ये होते हैं मैग्नेटिक एक्सिस पे अलाइन होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन बनाओगे आप, यहाँ पर जो प्लेन बनाओगे उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहे। तो बात बराबर ही हुई, बात तो बराबर ही हुई है ना। जैसे आपका अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, उसकी जो एक्सिस बन रही है, मैग्नेटिक एक्सिस बन रही है, वहां पर जो वर्टिकल प्लेन है उसको आप मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहे हो। तो आपकी जो जो कंपास होगा या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी, वो भी तो इसी एक्सिस पर आके अलाइन हो रही है ना। तो वहां पर भी वर्टिकल प्लेन बनाओगे तो वो भी मैग्नेटिक मेरिडियन ही कहलाएगा। वो तो बात तो बराबर ही है, आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिर ये कह रहे हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, तो बिल्कुल जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है या आपने जहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया, उस मैग्नेटिक मेरिडियन के, उस मैग्नेटिक मेरिडियन के जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। बहुत ईजी है, आपने ज्योग्राफिक वाला पढ़ लिया तो उससे मैग्नेटिक वाला आप इजीली बना सकते हो, ठीक है ना। सो इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। All the points on the magnetic equator are at equal distance from the magnetic poles. As it is, मतलब as it is आपने geographic के लिए study करा है, वही का वही आपके किसके लिए आ जाएगा? Magnetic के लिए आ जाएगा। जैसे ये इसकी geographical axis है, geographical north, geographical south है, इसके vertical में जो plane होगा उसको आप geographical meridian कहोगे, और इसके जो perpendicular plane होगा उसको आप geographical equator कहोगे। ऐसे ही आपका मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, इससे जो एक्सिस आ रही है मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक एक्सिस के जो वर्टिकल प्लेन होगा वो वर्टिकल प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, यानी कि जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? पूरी पूरी डेफिनेशन आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब ये आपको जो अभी सिखाया है ये अपने दिमाग में मतलब फिट कर लो आप, क्योंकि आगे जो आप टर्म्स पढ़ोगे उन टर्म्स को समझना इसी पे डिपेंड करता है जो अभी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो अर्थ जो होता है, अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो जाएगा, ज्योग्राफिकल साउथ हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ को जो एक्सिस मिलाती है उसको अपन पोलर एक्सिस कहते हैं। पोलर एक्सिस या ज्योग्राफिकल एक्सिस जो होता है उसके जो वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन के जो परपेंडिकुलर या ज्योग्राफिकल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर जो होगा वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अपर पार्ट जो नॉर्थ नॉर्थ
ज्योग्राफिकल नॉर्थ की साइड है उसको ज्योग्राफिकल और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है जो ज्योग्राफिकल साउथ की साइड है उसको अपन साउथर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी ज्योग्राफिकल एक्सिस की। इसके बाद अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन मिलाएगी वो आपके मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। मैग्नेटिक एक्सिस के जो वर्टिकल प्लेन होगा ठीक है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। यहाँ तक आया समझ में? क्लियर है बात? ये आपको हाँ मतलब सर, फिट कर लेना है दिमाग में अब इस चीज को, ठीक है ना? तभी आप जो आगे जो इसके टर्म्स आ रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना, वो टर्म्स तभी आपको क्लियर हो पाएगी। जैसे यहाँ पर पहली जो टर्म आ रही है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? देखो आप, एट अ गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जरा अपन देखें यहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन, देखो कहाँ है ज्योग्राफिक मेरिडियन आपका, है ना? गेरा, गेरा ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये हाँ सर, ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में कुछ एंगल यहाँ पर बन रहा है। ये देखो, इसको अपन फाई से डिनोट कर देते हैं, ये ना हाँ इसी को तो ये 17 डिग्री फाई। कहा सर। हाँ, और ये वाला एंगल दिखा आपको, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया आपका, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पे चले जाओ इसका। ये कह रहे हैं एट अ गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहेंगे उसको हम? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे, फाई से उसको डिनोट करते हैं। समझ में आएगा? समझ में आई बात आपको? ठीक है, हाँ सर, ये यहाँ पर इसमें भी डायग्राम में बताया हुआ है आपको, है ना? ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन को जीएम से बताया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन को एमएम से बताया हुआ है। इनके बीच का ये एंगल है फाई। ठीक है, इस फाई को अपन ने क्या बोला? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एट अ गिवन प्लेस इट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ मैग्नेटिक कंपास निडल इन इट्स इक्विलिब्रियम। तो इस भी डेफिनेशन को समझ लेते हैं अपन। तो आप देखो कि आपकी जो मैग्नेटिक निडल होगी, मैग्नेटिक निडल का जो मैग्नेटिक निडल का ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये साउथ डायरेक्शन होगा। इसकी बात कर रहा हूँ मैं मैग्नेटिक निडल का। तो मैग्नेटिक निडल देखो आपको किस एक्सिस में डायरेक्ट हो रही है, जो निडल कंपास की जो निडल है वो, या मैग्नेटिक निडल कह लो आप, किस डायरेक्ट किस एक्सिस के अलोंग हो रही है? वो हो रही है मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक तो मेरिडियन। यही, हाँ, मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग हो रही है, और मैग्नेटिक एक्सिस के जो वर्टिकल प्लेन है मैग्नेटिक एक्सिस में वो आपका क्या कहलाया? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाया। ठीक है ना, तो बात तो वही बराबर ही हुई। ये जो एंगल बनाएंगे यहाँ पर, इनके बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वही इन्होंने क्या किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, किससे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से। समझ में आया? ठीक है, दोनों बातें हाँ जो सर, भी पॉइंट इसने लिखा है समझ में आ गया ना? तो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और आगे टर्म देखते हैं अपन, नेक्स्ट टर्म दे रखे इसमें एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है? देखो, इट इज एन एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सबटेंड्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट द गिवन प्लेस। तो देखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये देखो आपका जो ये कम यहाँ पर देखना, आप यहाँ पे बनाया हुआ है कंपास, इसमें ठीक है, ये जो कंपास होता है ये बना हुआ, ये मैंने एक डायग्राम और भी बनाया हुआ है आपके लिए, ये ना। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये देखो आप, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल जो सबटेंड कर रही है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो आप, ये जो है ना, ये जीएम मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और ये वाला ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। यहाँ पर देखो आप, पीछे भी देखो, है ना, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। आप इधर आ जाओ, आप, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन, मैं आपको बताऊं ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाई हुई है क्योंकि वो उसके बैक साइड में है ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो हाँ है वो सर, मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है उसके बैक साइड में है, इसलिए डॉटेड लाइन बनाई है। तो
तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो एंगल बनाती है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये रहा आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन में ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा कहलाता है एंगल ऑफ डिप, समझ में आया नहीं, क्लियर है? हाँ सर, मतलब ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल हाँ बनेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन के डायग्राम समझने बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो समझ में आया। देखो ये फाई से डिनोट किया हुआ है, आपको दिख रहा है फाई, और फाई हमने क्या बोला था, एक बार और बताया सर था जो फाई लाइन है का, ना एंगल की, ये इस प्लेन के अंदर ही है ना, मतलब सरफेस पे ही है ना प्लेन की। हाँ तभी तो कंपोनेंट बना पाओगे, नहीं तो कंपोनेंट बनेंगे ही नहीं, उस हाँ प्लेन में होंगे तभी तो कंपोनेंट बनेंगे ना, अलग अलग प्लेन में चला गया तो कंपोनेंट बनाने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा काम, तो ये इस प्लेन में ही है, ये वाला जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो प्लेन है ना उसमें ही है ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या था, इट इज अ गिवन इट एट अ गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, उनके बीच का एंगल है फाई, जिसको अपन ने क्या बोला है पीछे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये तो समझ में आ गया फाई। अब हाँ सर, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ की जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप, तो ये एंगल ऑफ डिप हो गया थीटा। अब देखो क्योंकि ये इस प्लेन के अंदर ही है, आप इसके कंपोनेंट कर सकते हो, देखो एक कंपोनेंट तो मैं ये कर दूंगा, एक कंपोनेंट ये कर दूंगा, दिख रहा है आपको, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो मैग्नेटिक मेरिडियन लिया गया है, उस मैग्नेटिक मेरिडियन में उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, और उस मैग्नेटिक मेरिडियन में उसके दो कंपोनेंट होंगे, उसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है यस सर। आगे चलो, देखो अब आप तो वो समझ में आएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बी एच से बताया हुआ है, बी वी से किसको बताया है, वर्टिकल कंपोनेंट को, ठीक है। ये जो है सर ये जो साइड में डायग्राम बना हुआ है ना, ये क्या है? ये इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया है, आपको इसी का ही डायग्राम बनाया मैंने, अगर मैं नहीं सोचा था, मान लो आप मुझसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते कि नहीं सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसी में समझा देता, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई सा डायग्राम है, बट इसमें आ गया ना आपको समझ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर बुक्स में यही डायग्राम मिलेगा, ठीक है, ये आ गया ना समझ में इससे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, देखो ये जैसे यहाँ पर इस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ फ्रीली सस्पेंडेड किया हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी इसको फ्रीली सस्पेंडेड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ऐसे ही है, समझ में आया, ये समझ में आ गया ना आपको, तो क्लियर है ना। आगे चलो देखो, आप आगे देखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन प्लेस इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ठीक है हमें तो पहले से समझ में आ गया, जो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है उसे अपन अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समझ में आया? ठीक है, एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनता है वो कॉस थीटा होता है, तो बी एच इजिकल टू क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा आ जाएगा, cos theta हो देखो ये जाएगा आ गया बी एच इजिकल टू बी कॉस थीटा आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट देख लो, ये वाला बी sin theta तो बी sin theta आ जाएगा, आगे तो इजी, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो बी वी इजिकल टू क्या आ जाएगा, बी sin theta आ जाएगा, tan theta निकाल सकते हो आप, तो बी वी बाय बी एच आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगी आपकी किसकी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक, यहाँ भी मैंने डायग्राम इसमें पेस्ट कर दिया है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हॉरिजॉन्टल से जो है डायरेक्शन आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी बाय बी एच कर देना, रिजल्टेंट आप जानते हो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में समस्या होती है तो ही समस्या बढ़ती है बस। तो देखो एट मैग्नेटिक पोल्स, तो मैग्नेटिक पोल्स पे थीटा कितना होगा, मैग्नेटिक पोल्स पे थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दो तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो हो जाएगा और ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा, यहाँ साइन 90 कर दो तो 1 हो जाएगा,
समझ में आ रही है बात? लास्ट वाला पॉइंट एक बार बता दो, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर सुनो, ये थीटा 90 कब होगा? जब ये बी कहां पर आ जाए, बोलो, बी अगर बीवी से अलाइन हो जाए, बी अगर बीवी से अलाइन हो जाए तभी होगा ना, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कहां चली गई? इस वर्टिकल वाले में चली गई, हॉरिजॉन्टल में वैसे ही कुछ नहीं बचेगा, आप इस डायग्राम से समझ लो। वैसे वैसे देखा जाए तो थीटा क्या है ना, मैग्नेटिक पोल्स पे लिया है ना आप उसको, ठीक है। अब ऐसे आगे देखो, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर देखो, सारी बातें मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से समझने में ये जो इसके टर्म्स समझोगे तब वो वाली पार्ट आपको समझ में आएगा। तो पोल्स पे ले आओगे तो पोल्स पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेटर क्या था? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर होता है और वर्टिकल जो है वो पोल्स होता है। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज कुछ यहाँ पर भी हो रही है, वर्टिकल जो है वो पोल्स हो जाएगा आपका। तो पोल्स के लिए आप करोगे थीटा 90 डिग्री, तो इससे अलाइन हो जाएगा ऑब्वियसली यार, सारी की सारी जो है वर्टिकल ही एग्जिस्ट करेगा, ओरिजोंटल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इक्वेटर पे आ जाओगे तो ओरिजोंटल एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? अगर इसको उठा के यहाँ ले आऊ, मैं बी को इधर ले आऊ ओरिजोंटल पर, तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वैसे मैथमेटिकली भी आ रहा है, थीटा जीरो कर दो, जीरो वन हो जाएगा, ओनली ओरिजिनल कंपोनेंट रहेगा। सर वो जो डायग्राम है ना सर, इसके अंदर इक्वेटर और मेरिडियन क्या है, मतलब वो पोल्स? सिंपल ध्यान रखो ना, वर्टिकल जो होते हैं वो पोल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर होता है, ठीक है? अच्छा हाँ सर, हॉरिजॉन्टल इक्वेटर है, वर्टिकल पोल्स है। क्यों अपन, आप इसमें सर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो चीजों के अंदर, ठीक है? समझ में आ गई बात? जो हॉरिजॉन्टल है वो इक्वेटर है और वर्टिकल जो है वो पोल है, ठीक है ना? तो आप देखो, अगर आप, मैं और वैसे और समझाता हूँ मैं आपको, अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल जो प्लेन है उसकी की बात कर रहे हो, ठीक है ना? तो इस तरह से आप पुट कर दो, अगर बी बी जो है इधर शिफ्ट हो जाता है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका रहेगा ही नहीं, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। और ऐसे अगर बी इधर शिफ्ट हो गया, इस वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे शिफ्ट हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा। और मैथमेटिकली देखो तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होते ही ओनली हॉरिजॉन्टल ही बचेगा, वर्टिकल तो जीरो हो ही जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो जो भी मटेरियल है वो उसके साथ साथ ही है उसी पेज पे, तो आपको दिक्कत आएगी। अब जैसे कह रहे हैं कि फाई डिसाइड्स, ठीक है, फाई देख लो, फाई हमने क्या बोला था, फाई इज व्हाट, फाई इज अवर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई फाई डिसाइड्स द प्लेन इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइज एट एनी प्लेस, फाई एंड थीटा डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा एंड बीएच डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो देखो क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहां मेंशन करे कि फाई डिसाइड्स द प्लेन इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइज एट एनी प्लेस। तो ठीक है, फाई जो है, देखो आप फाई क्या बता रहे हैं, जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ना आपसे, वहां से मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन बता रहा है। ध्यान से समझना बात को, जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है वहां से मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन को कौन बता रहा है? फाई बता रहा है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली है कहाँ, क्योंकि आपकी जो कंपास की निडल है या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो सारी की सारी जो डायरेक्शन इंडिकेट करती है वो कहाँ इंडिकेट करती है, जहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगी, ठीक है। तो ये भी बात सही है। आगे देखें कि फाई एंड थीटा, तो थीटा जो है वो आपका एंगल ऑफ डिफेंस, ठीक है, फाई एंड थीटा। हाँ बोलो सर, वो ये तो आ गया सर मेरे को, फाई क्या है एक बार वो थीटा के लिए क्या बताया था आपने अभी? थीटा अभी ये ले रहे हैं ना, अपन थीटा तो ले रहे हैं, फाई एंड थीटा डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सही बात है, फाई देखो, फाई क्या डिसाइड कर रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, समझ में आ रही बात? फाई ये डिसाइड कर रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, और मैग्नेटिक मेरिडियन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है वो कौन डिसाइड कर रहा है? थीटा। आई बात समझ? हाँ सर, वो थीटा ही तो बता रहा है ना मेरे को भाई, थीटा अगर ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और कहीं होगी, तो थीटा मुझे बता रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो कौन बता रहा है? थीटा बता रहा है। तो ये भी बात समझ में आई। आगे क्या कह रहे हैं, थीटा एंड बीएच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा थीटा है ही सही, और बीएच इज इक्वल टू, तो खुद ही बीएच इज इक्वल टू क्या है, बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा आपके, ठीक
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखो आप ऐसे निकालोगे ना, यहाँ से कैसे निकालोगे, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, देख पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ तक आया नहीं आया समझ में, हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा ये तो इसमें ये जो बी एच है ना सर, इसके अंदर ये बोला है ना कि बी एच डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, बीवी क्यों नहीं करता, मतलब दो है ना कंपोनेंट तो। हाँ टोटल तो वही करेगा, तो एक केस की बात करी हुई है इसके अंदर, ठीक है। क्या अपन ये कर सकते हैं कि जैसे ये है इसका कंपोनेंट, इस प्लेन में ध्यान से देखना है ना, मैं इस प्लेन में इसका कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये तो कंपोनेंट बन गया किसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ रहे हो बात को, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपोनेंट बन गए है ना। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, आ रहा है समझ में, ठीक है। इसका अपन इसका अपन यहाँ पर कंपोनेंट ले, कहाँ पर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। देखना आप इसका डायग्राम में रेफर करता हूँ आपको, देखो देखो यहाँ पर अपन एक डिफाइन कर रहे हैं अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप जो होता है उसको थीटा डैश से बताया जाता है, ठीक है। अपेरेंट एंगल ऑफ डिप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा डैश से। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं होता क्या है, व्हेन द प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल इज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, द नीडल रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल यहाँ से देखना, द एंगल मेड बाय द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड ट्रू डिप और एक्चुअल डिप। तो देखना आप कि यहाँ पर आपने फ्रीली सस्पेंड, जैसे फ्रीली सस्पेंडेड निडल थी यहाँ पे भी लगा देते हैं अपन, ये फ्रीली सस्पेंडेड निडल, ठीक है, मैग्नेटिक निडल, ठीक है सर। ये एंगल कौन सा है, थीटा? एक मिनट देखो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये निडल को यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, तो ये जिससे अलाइन होगी, ठीक है, ये ऐसे अलाइन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा है यहाँ पर किससे, मैग्नेटिक मेरिडियन की ओरिजोनटल लाइन से, ठीक है, क्या मैं कह सकते हैं ना, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये तो कहलाता है एक्चुअल एक्चुअल डिप या ट्रू डिप, ये तो आ गया समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर आ गया, ये तो अभी पीछे ही तो करके आए हो, वही है, आगे देखें, इफ द प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल नॉट कैप इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, देन द नीडल विल नॉट इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस सिचुएशन द एंगल मेड बाय द निडल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, यहाँ पर अपन को अपेरेंट एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करना है, ठीक है। अपेरेंट एंगल ऑफ डिप के लिए क्या कह रहे हैं, देखो इफ द प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ द वर्टिकल स्केल, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है डिप को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसमें कि इसको लगा दिया, यानी ये निडल जो होती है, निडल लगी हुई होती है इस तरह से, ऐसे करके निडल लगी होती है, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होती है जिससे कि डिप एंगल को क्या है मेजर किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रखते हैं, कह रहे कि इन दिस सिचुएशन, सिचुएशन क्या बोल रहा है कि इफ द प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल नॉट कैप्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये देखना आप, नॉट कैप्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, not kept in magnetic meridian, then the needle will not indicate the correct direction of earth magnetic field. इसका कहने का मतलब है कि जो plane of vertical scale of dip है, ये देखो आप, ये vertical scale of dip, ये दिख रहा आपको, है ना? ये dotted dotted थे तो horizontal हो जाएगा, है ना? ये vertical scale of dip हो जाएगा आपका, ठीक है? Then the needle will not indicate the correct direction of the earth magnetic field. In this situation, the angle made by the needle with the horizontal is called the apparent angle of dip. इस केस में जो एंगल बनेगा
इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस केस में जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल उसको बोलेंगे अपन अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। क्या बोला जाएगा वो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ कि सपोज द डिप सर्कल इज सेट एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इन दिस प्लेन विल बी बी एच कॉस अल्फा, ठीक है, एंड नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, ठीक है। इसको एक बार देख लो आप किस तरह से आएगा। तो पहले पॉइंट ये ध्यान रखना, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल है नॉट कैप्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन में सर ये निडल ही है ना, हाँ ये ना देखो अपने डायग्राम में निडल बना रखी है ना, हाँ यही निडल है। मतलब जब ये डायरेक्शन में हो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के तब तो एंगल ऑफ डिप, और अगर नहीं हो तो अपेरेंट डिप। नहीं 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 ये देखो आपके प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल ये जो पॉइंट है ना, ठीक है। तो ये देखो आपने यहाँ पर ये डिप सर्कल ले लिया, अब मान लो इसको मैं ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन लेता हूँ मैं इसको, ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, ध्यान से देखना ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये एमएम से बता दिया मैंने, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये जो निडल है जो इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी आ गई, समझ में आए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी, ये देखना आप, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है यहाँ पर, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये इसका एक्चुअल डिप हो जाएगा थीटा, समझ में आया। तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ये देखो आप, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा जिसको मैं बी वी से बता देता हूँ, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, समझ ये बात समझ में आई। और ये थीटा जो है इसका एक्चुअल एंगल ऑफ डिप आ गया, यहाँ तक बात समझ में आई, अभी कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो। हाँ सर, नहीं यहाँ तक नहीं है। अब देखो, अब ये जो कह रहे हैं कि इफ द प्लेन ऑफ वर्टिकल स्केल ऑफ डिप सर्कल नॉट कैप्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये कह रहे हैं कि अगर इसको ये जो स्केल है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रखा जाए, यानी इस मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है ये, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, तो मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, और ये एंगल जो है वो कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है अल्फा, पहले ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही था, पर अब ये कह रहे हैं कि अगर वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ना हो, किसी और एंगल पे शिफ्ट कर दिया हमने उसको अल्फा पे, इसी प्लेन को मैंने अल्फा पे शिफ्ट कर दिया, तो अल्फा पे अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना हुआ था रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये जो वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ तक था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आप इसका कंपोनेंट बनाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और एक नया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जिसको अपन बी डैश एच से देंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका बी एच कॉस अल्फा आ जाएगा, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यानी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन को मोड़ा है या फिर प्लेन को मोड़ा है अपन ने, मैग्नेटिक मेरिडियन को नहीं मोड़ा, ये जो आपका स्केल लगा हुआ है, ये जो स्केल लगा हुआ है जो कंपास लगा हुआ है इसको घुमा दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं बदलेगा, वो तो वही रहेगा, वो तो यही है जो रेड वाला जो ये जो एमएम लिखा हुआ है यहीं पर, ये एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन था आपका, तभी तो एंगल आया। हाँ तो पहले शुरुआत में तो उसको इसमें ही रखा हुआ था ना अपन ने डिप सर्कल को, ये इस कंपास को यहीं पर ही तो रखा हुआ है, तो इसने एक्चुअल थीटा मेजर करके बता दिया मेरे को। अब मैं इसको शिफ्ट कर दिया, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रख के किसी और एंगल पे शिफ्ट कर दिया मैंने उसको, अल्फा से घुमा के ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ पर घुमा दिया, इस पूरे की पूरी डिवाइस को ये दिख रही है ना आपको, ये पूरी की पूरी को उधर ले गया, तो उधर ले गया है, तो अब ये कह रहे हैं कि अब जो ये एंगल ऑफ डिप शो करेगा वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप नहीं होगा, वो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप होगा, ठीक है। और उस अपेरेंट एंगल ऑफ डिप को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आया समझ में। तो अब ये जब अपन प्रोसेस करेंगे तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बी डैश एच मतलब बी एच कॉस अल्फा हो जाएगा, जितने एंगल से आपने उसको डिप जो सर्कल है वर्टिकल स्केल को शिफ्ट किया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, पर वर्टिकल कंपोनेंट देखो वही का वही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वही रहेगा, क्योंकि यहाँ से घुमा दिया है मैंने इसको ऐसा,
ये आया समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है यस सर, चलू मैं आगे। हाँ अब देखो आप, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया। देखो नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट, ये समझ में आ गया, नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल कंपोनेंट। देखो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा वर्टिकल कंपोनेंट पे, वही का वही है। ठीक है यहाँ पर आगे चले सर, है ना, देखते जाना आप। तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप निकालना है मुझे 10 थीटा डैश, तो कितना आ जाएगा, बी डैश वी डिवाइड बाय बी एच, बी डैश वी डिवाइड बाय बी डैश एच आ जाएगा। बी डैश वी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, तो एज इट इज बी वी रख दूंगा मैं। बी डैश एच कितना हो गया मेरा, बी एच कॉस अल्फा हो गया। ठीक है आया समझ में। अब बी वी कितना है, तो बी वी मैंने सोल्व करा है, बी साइन थीटा होता है। बी वी जो है अपने पास, बी वी कितना है, बी साइन थीटा है, समझ में आ रहा है ना, बी वी कितना है, बी साइन थीटा। और बी एच, बी एच इजिकल टू क्या है, बी एच इजिकल टू करो आप, बी एच इजिकल टू क्या, बी कॉस थीटा है। एक स्टेप मिस करी हुई है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बी वी इजिकल टू तो है बी साइन थीटा। ठीक है बी एच इजिकल टू क्या है, बी कॉस थीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास क्या चल रहा है, कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा जाएगा, इस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या जाएगा, टेन थीटा जाएगा, तो टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा जाएगा। आ गया समझ में यहाँ तक फॉर्मूला कैसे सर? वो एक चीज पूछो सर, वो अपेरेंट डेप जो है ना सर, वो इस डायग्राम में कहाँ बना है? अब इतना ज्यादा मत करो, फिर वो भी या फिर इस थीटा को ही कहेंगे क्या? नहीं थीटा तो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है ना। हाँ सर, तो हमारे पास फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइड बाय कॉस अल्फा हो गया। थीटा डैश जो है इसमें अपेरेंट डिप हो जाएगा, थीटा जो है वो एक्चुअल डिप है, और अल्फा जो है वो एंगल है जिससे कि उसको शिफ्ट किया है आपने। ठीक है तो आगे देखें, जो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, फॉर अ वर्टिकल प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा कोई वर्टिकल प्लेन लेते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर ये वर्टिकल प्लेन ही लिया है बट मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं लिया। मैग्नेटिक मेरिडियन लोगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन लोगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसी के ऊपर आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, पर मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, देन कॉस अल्फा इज लेस देन वन, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो जीरो पे ही होती है। ठीक है तो अल्फा अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो कॉस अल्फा जो होगा वो लेस देन वन होगा, और कॉस अल्फा अगर लेस देन वन होगा तो जो टेन थीटा है वो टेन थीटा जो दिखा रखा है आपको यहाँ पर, टेन थीटा डैश है ये। ठीक है टेन थीटा डैश जो होगा वो ग्रेटर देन टेन थीटा होगा, ठीक है, यानी कि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, आ जाएगा ये सॉल्व करके? हाँ मतलब सर मैग्नेटिक मेरिडियन पे नहीं रहेगा तो कॉस अल्फा, वर्टिकल प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन तो अल्फा कह रहे हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 तो कॉस अल्फा जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आई बात समझ में? क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पर ही होती है ना, कॉस 0 1 होता है, बाकी तो कम होती जाएगी, तो कॉस अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से निकालो, कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा डैश आ रही है, आ रही नहीं आ रही, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। हां सर, और ये लेस देन 1 हो गया तो टेन थीटा जो है वो लेस देन टेन थीटा डैश हो जाएगा। ठीक है यानी कि थीटा इज लेस देन थीटा डैश हो जाएगा, यानी कि थीटा डैश जो है वो ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा। आया समझ में? यही देखो ये लिखा हुआ थीटा डैश। हां सर, आगे समझ में? ठीक है, सो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप इज ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, ये आ जाएगा कंक्लूजन। फिर आगे दे रखा है इसमें पूरा वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो कर दो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पर इसको इसको लेके ये ब्लू वाले को लेके मैं यहाँ आ जाऊँ तो अल्फा कितना हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है तो अल्फा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो अल्फा 90 डिग्री रख दो, अल्फा 90 डिग्री रखो ये रहा, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो टेन थीटा डैश तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ठीक है टेन थीटा डैश इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी कितने पे होता है, टेन थीटा में इन्फिनिटी कितने पे होता है सर? 90 पे होता है। ठीक है तो थीटा डैश कितना आ गया मेरे पास, 90 आ गया, यानी अपेरेंट एंगल ऑफ डिप कितना आ गया, 90 डिग्री। सो इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन डिप नीडल बिकम्स जस्ट वर्टिकल, डिप नीडल क्या जाएगी जस्ट वर्टिकल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि थीटा डैश जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से है ये पूरा टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपने लेक्चर अच्छे से देख लेना, इंटरेस्टिंग भी है कंफ्यूजिंग भी है, बट मैंने कोशिश करी है आपको
सारे डायग्राम्स वगैरह बताने की, क्वेश्चंस करने की जहां तक बात है, फॉर्मूले अगर आप रट लो, रट के भी लोग कर सकते हैं, पर आई थिंक रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको और अच्छे से देख लेना लेक्चर को और इसको सब पॉइंट्स को समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं से पूछ लेना, ठीक है।